मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। यूपी से राजस्थान तक छाया घना कोहरा, शीतलहर की स्थिति भी बरकरार, जाने दें इसका मौसम। आपको बता दें, मौसम विभाग के मुताबिक अगले दो दिन तक उत्तर पश्चिम भारत के सभी राज्यों में शीतलहर और कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान समेत देश के विभिन्न राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है। पूरे उत्तर पश्चिम भारत में ठंड रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। सर्दी का सितम कुछ दिन थमता भी नजर नहीं आ रहा है। मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक आज उत्तर पश्चिम के सभी राज्यों में कोल्ड डे और शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में घने से घना कोहरा बरकरार रहने वाला है। आइए जानते हैं राजधानी समेत क्या रहेगा आज देश के मौसम का हाल। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत देश के विभिन्न हिस्सों में सुबह के समय घने कोहरे की चादर देखने को मिलेगी। उत्तराखंड, उत्तरी राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश में भी कोहरा आने वाले 2 से 3 दिन जमकर कहर ढालने वाला है। कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई है। यूपी बिहार से गुजरने वाली राजधानी और दुरंतो एक्सप्रेस सहित तमाम ट्रेन घंटों की देरी से चल रही हैं। गाजियाबाद में शीतलहर की वजह से कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल 11 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक ठंड का ये डबल अटैक 11 जनवरी तक आपकी मुश्किलें बढ़ाने वाला है। 10 और 11 जनवरी को कुछ शहरों में हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि इसके बाद तापमान बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में ठंड बेकाबू होती जा रही है, जिसे देखते हुए स्कूल की छुट्टियाँ भी बढ़ा दी गई हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो आज न्यूनतम तापमान 5 डिग्री और अधिकतम तापमान 15 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं लखनऊ में आज भी घने से घना कोहरा और कोल्ड डे की स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि पश्चिमी यूपी में कोहरे की तीव्रता में कमी देखी जा सकती है। अन्य राज्यों का हाल। अन्य राज्यों में ठंड कहर बरपा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक उत्तर पश्चिम भारत के सभी राज्यों में शीतलहर और कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। गंगा के मैदानी इलाकों में घना कोहरा जारी रह सकता है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में इसकी तीव्रता में कमी हो सकती है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति संभव है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर और उत्तर पश्चिम राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति जारी रह सकती है। इसके अलावा गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात हो सकता है। वहीं 10 जनवरी की शाम से बारिश और हिमपात की तीव्रता और फैल सकती है। दिल्ली भले ही पहाड़ी इलाकों के करीब हो, लेकिन उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है यहाँ पर बर्फबारी नहीं हो सकती है। लेकिन जिस तरह से इस बार ठंड पड़ रही है, उसने अपनी बर्फबारी के लिए मशहूर अच्छे अच्छे हिल स्टेशनों को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन सवाल क्या है? मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।